जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में जो तीसरे नंबर की देवी है अर्थात षोडशी माता, इनकी पूजा करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि षोडशी माता का मूल मंत्र क्या है, पूजा करते समय उसका विधि विधान क्या है, पूजा करते समय कौन से यम नियमों का पालन करना होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह होता है वो बुध ग्रह की आराध्य देवी है षोडशी माता। अर्थात जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट और पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को षोडशी माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। गहराई में जाके समझाऊंगा ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ सके। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर छठवें, आठवें, बारहवें भाव में कमजोर होकर बैठा हो, निच राशि में निर्बल हो और जब उसकी कुंडली के अंदर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा आती है और उसे बुध का बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता तो ऐसे व्यक्तियों को षोडशी माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर बुध अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, नवमांश में नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब उसे बुध का बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता बल्कि कष्ट हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी माता षोडशी की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश होकर यानी कि कुंडली का शुभ ग्रह बनकर, कारक ग्रह बनकर राहु के साथ युति करके जड़त्व योग बनाता हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी षोडशी माता की पूजा करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है और बुध का अशुभ फल बिल्कुल नहीं मिलता बल्कि बुध का शुभ फल प्राप्त होता है। चौथा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो स्कूल में, कॉलेज में और वो बच्चा चाह कर भी पढ़ाई न कर पाता हो, उसकी पढ़ाई के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हो, पढ़ा हुआ भूल जाता हो, कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती हो, मन की चंचलता ज्यादा हो गई हो और वो व्यक्ति पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट न कर पाता हो और उसकी पढ़ाई दिन ब दिन कमजोर होती हो तो ऐसे बच्चे को भी षोडशी माता की पूजा करने से बहुत बहुत लाभ होता है। और ये सारी चीजें कब देखने को मिलती है, जब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तो इसका फल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि षोडशी माता की पूजा पाठ कैसे की जाती है, तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लकड़े का पाट लेना है। लकड़े के पाट के ऊपर आपको एक लाल कलर का वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर आधा किलो या एक किलो गेहूं बिछा देने हैं। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट लेना है, लकड़े के पाट के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है, लाल कपड़े के ऊपर आपको गेहूं आधा किलो या एक किलो आपको बिछा देने हैं। उसके बाद आगे के तरफ आपको गणेश जी की मूर्ति रखनी है, आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दो अगरबत्ती जलानी है, गणेश जी के ठीक पीछे आपको षोडशी माता का स्थापन करना है और राइट हैंड पे शिव जी को रखना है, लेफ्ट हैंड पे आपको कलश की स्थापना करनी है यानी कि तांबे के कलश के अंदर 5 विड़ा के पान, 1 नारियल और 1.25 रुपया इस प्रकार से कलश की स्थापना करनी है। राइट साइड पे शिव जी को रखना है। आप यहाँ पे कोई दूध की बनी हुई कोई मिठाई या कोई भी अच्छी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो और फिर आपको मंत्र करने हैं। तो मंत्र क्या है सुनिए, ये रहा मंत्र, ओम सोह षोडशी माताय नमः।
ओम सोह सोरसी माताय नमः, ओम सोह सोरसी माताय नमः। दूसरा मंत्र है ओम माता त्रिपुर सुंदरीये नमः, ओम माता त्रिपुर सुंदरीये नमः, ओम माता त्रिपुर सुंदरीये नमः। तीसरा मंत्र है ओम एम क्लिम सोह, ओम एम क्लिम सोह, ओम एम क्लिम सोह। चौथा मंत्र है ओम एम क्लिम क्लिम सोह सोह क्लिम एम। ये जो मंत्र है ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है, ओम क्लिम क्लिम सोह सोह क्लिम एम। तो इसमें से जो भी मंत्र आपको बोलने के लिए इजी लगे वो मंत्र आप कर सकते हो। मंत्र कितने करने हैं तो भी सुन लीजिए। अगर आप रोज 3000 मंत्र करते हो तो आपको 42 दिन तक मंत्र जाप करने होंगे। रोज 3000 मंत्र करोगे तो 42 दिन के अंदर आपके 1,25,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। अगर आपको इससे भी जल्दी करना है तो सुबह शाम कीजिए, सुबह 3000 शाम को 3000, या एक साथ 6000 मंत्र कीजिए। तो रोज 6000 मंत्र करोगे तो 21 दिन के अंदर 1,25,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं। जब आपके 1,25,000 मंत्र सोरसी माता के पूजा हो मंत्र पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आपको सोरसी माता का दशांश होम करना होगा, उसके बाद तर्पण और मार्जन करना होगा। तो इससे सोरसी माता का जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा और उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा और आपकी कुंडली के अंदर जो बुध कमजोर है उसे काफी अच्छा बल प्राप्त होगा। अभी जो सोरसी माता की पूजा करते हैं तो उसके लिए 5 मुख्य नियम है, ये नियमों को पालन किया जाए तो मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। वो कौन से 5 नियम है तो सुनिए। मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि और समय सिद्धि। इसका अर्थ क्या है तो सुनिए। आपने पहले दिन जो मंत्र पकड़ा उसी मंत्र को आखिरी दिन तक करते रहना है, मंत्र को बदलना नहीं है। आपने पहले एक हफ्ते कुछ और मंत्र किया, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा मंत्र किया, तीसरे हफ्ते में तीसरा मंत्र किया, ऐसा नहीं करना है। अनुष्ठान के शुरुआत से लेके अंत तक आपका मंत्र एक ही होना चाहिए तो मंत्र सिद्ध होगा। उसके बाद संख्या सिद्धि, अगर आपने पहले दिन 3000 मंत्र किए हैं तो आपको अनुष्ठान के आखिरी दिन तक रोज 3000 ही मंत्र करने हैं। अगर आपने 5000 मंत्र किए हैं तो अनुष्ठान के आखिरी दिन तक रोज आपको 5000 ही मंत्र करने हैं। इसे कहते हैं संख्या सिद्धि। तीसरे नंबर पे आता है स्थान सिद्धि। आपको अपने घर के अंदर एक छोटा सा कोना लेके बैठ जाना है और रोज उधर ही मंत्र करने हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो कोई आप एक रूम ले सकते हो, उस रूम के अंदर मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन याद रहे उसी स्थान पे अनुष्ठान के आखिरी दिन तक उधर ही बैठना है, बार बार आपको स्थान नहीं बदल करना है। चौथा ये है दिशा सिद्धि। तो मंत्र करते समय आपको उत्तर दिशा में मुंह करके मंत्र करना है तो आपको बहुत लाभ होता है। कुछ किताबों में पश्चिम दिशा की तरफ भी कहा गया है कि पश्चिम दिशा में मुंह करो, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर दिशा में मुंह करके मंत्र करने से ज्यादा फायदा होता है। आखिरी नंबर पे आता है समय सिद्धि। अगर आपने रोज सुबह 5 बजे बैठ गए तो आपको रोज 5 बजे बैठना है, 6 बजे बैठे तो रोज 6 बजे बैठना है, 7 बजे बैठे तो रोज 7 बजे बैठना है। तो इस प्रकार से मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि और समय सिद्धि, ये 5 नियमों के तहत अगर आपको मंत्र सिद्ध करो तो निश्चित तौर पे मंत्र सिद्ध हो जाता है। अभी आपको क्या नहीं करना है तो कोई भी प्रकार का व्यसन यानी कि बुरी हैबिट नहीं करनी है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा दारू आपको नहीं खाना है या वो व्यसन नहीं करना है। दूसरा नॉनवेज न खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर के बाहर भोजन ना करें, किसी के भी घर का खाना न खाए, किसी भी होटल में जाके खाना न खाए, सिर्फ अपने घर का खाना खाए। और आगे बढ़ते हैं, जब अनुष्ठान शुरू करते हो तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड के अंदर, अपने राइट हैंड के अंदर थोड़े से चावल लेने हैं, तुलसी का एक पत्ता लेना है, गंगा जल लेना है, एक पुष्प लेना है। ये सब चीजें हाथ में लेकर आपको संकल्प में बोलना है कि मेरी कुंडली के अंदर बुध ग्रह नीच का है, 6वें 8वें 12वें भाव में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है,
पाप ग्रहों से पीड़ित है, जड़त्व योग बन रहा है, बुद्ध की महादशा अंतरदशा चल रही है, मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो भी आपके मन में है वो आपको बोलना है और प्रार्थना करना है कि हे सोडसी माता, मेरी कुंडली के अंदर बुद्ध कमजोर है और उसका फल अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मुझे उसका शीघ्र ही अच्छा फल प्रदान करो। ऐसा संकल्प करके आपको वो पानी किसी थाली में छोड़ देना है और फिर वो किसी झाड़ में डाल देना है। उसके बाद आपको गणेश जी का एक मिनट तक दिल से ध्यान करना है, अपने कुल देवत का एक मिनट तक दिल से ध्यान करना है, फिर शिव जी का ध्यान करना है, भैरव जी का ध्यान करना है और आखिरी में अपने गुरु जी का ध्यान करना है। याद रहे, गणेश जी का ध्यान करना है, कुल देवी का ध्यान करना है, शिव जी का ध्यान करना है, भैरव जी का ध्यान करना है और अपने गुरु जी का ध्यान करना है। ये सभी का ध्यान करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करने की भावना करें। उसके बाद आपको माता को लाल फूल, लाल फल, लाल कोई भी प्रकार का नैवेद्य आप माता को अर्पण कर सकते हो। मंत्र करते समय उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे तो बड़ा लाभ होता है। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करने से बड़ा लाभ होता है। और माता को कोई भी दूध की बनी हुई कोई मिठाई या दूध का बना हुआ कोई भी खीर है, ऐसा कोई भी चीज का भोग लगाए तो बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्र के मुताबिक जब तक मैंने किताबें पढ़ी है तो उसमें मैंने देखा है कि जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह की जो आराध्य देवी है वो है माता षोडशी। तो जब भी कोई व्यक्ति षोडशी माता की दिल से पूजा करता है, श्रद्धा से पूजा करता है, तो उसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह को जबरदस्त बल प्राप्त होता है और वो व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये अनुष्ठान कोई बच्चा भी कर सकता है जो पढ़ाई करता हो, स्कूल में कॉलेज में जो बच्चा पढ़ाई करता हो, उसकी पढ़ाई कमजोर हो, उसको याद ना रहता हो, पढ़ाई के अंदर उसका कंसंट्रेशन कम होता हो, पढ़ा हुआ बरोबर लिख ना पाता हो, उसके परसेंटेज कम आते हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी षोडशी माता की पूजा करने से लाभ होता है। बुध व्यापार का कारक है, बुध व्यापार का कारक है। अगर कोई व्यक्ति को व्यापार के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास प्राप्त न होता हो जिसका वो हकदार हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी षोडशी माता की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। कोई व्यक्ति वाणी से कनेक्टेड काम करता हो और वो अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित न कर पाता हो, उसके पास बोलते समय उचित शब्दों का उपयोग न कर पाता हो, तो वाक सिद्धि हासिल करने के लिए भी षोडशी माता की पूजा की जाती है। और षोडशी माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति प्राप्त होती है, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति प्राप्त होती है, क्योंकि षोडशी माता जो है वो त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है और त्रिपुर महासुंदरी ये लक्ष्मी जी का मूलभूत स्वरूप है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन जब चंद्र 16 कला से खिलता है तो 16वीं कला का नाम है साध कला, और जो साध कला है उसकी अधिष्ठात्री देवी है त्रिपुर महासुंदरी, और त्रिपुर महासुंदरी को ही तंत्र विद्या में षोडशी माता भी काफी लोग कहते हैं। तो षोडशी माता की पूजा करने से व्यक्ति के घर में हमेशा लक्ष्मी बहुत बढ़ती है, उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है, कुबेर जी की भी कृपा होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।